आज स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण की वोटिंग है। जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर आज मतदान होना है। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए आज 24 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। सोमवार को पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा तैयारियां बेहद पुख्ता की गई है। 10 साल बाद यहां चुनाव हो रहे हैं। 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर को की जाएगी। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किश्तवाड़ में आपको बता दूं, निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर अमित भगत ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में 108 मतदान केंद्र हैं। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर आपको बता दें कि चुनाव जो होने हैं, इनमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं और 9 सीटें एमटी और 7 एससी के लिए आरक्षित हैं। 3 चरणों में मतदान होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां जम्मू कश्मीर में 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज से विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। धारा 370 हटने और लद्दाख के अलग होने के बाद से जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहला चुनाव है। आज पहले चरण की कुल 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के दौरान किसी भी घटना से बचने के लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा और वाहनों की व्यवस्था प्रदान की गई है। साथ ही क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट और जोनल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले फेज में पुलवामा की 4 सीटों पर, शोपिया की 2, कुलगाम की 3, अनंतनाग की 7, रामबन की 2, किश्तवाड़ की 3 सीटों और डोडा जिले की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सोमवार शाम चुनाव प्रचार थमने के बाद मंगलवार को मैदान में खड़े उम्मीदवारों ने घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। अब देखना यह है कि उम्मीदवारों का ये प्लान कितना काम आता है। वहीं बात करें पहले फेज के चर्चित उम्मीदवारों की, तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती इस चरण में चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा सत्ताधारी केंद्र में बीजेपी ने शगुन परिहार पर दाव लगाया है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री सुनील शर्मा और पीडीपी के युवा नेता वहीदुर रहमान पारा का नाम चर्चा में है, जो इस चरण में चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां आपको बता दूं कि 11.76 लाख कुल पुरुष वोटर्स, तो वहीं 11.51 लाख महिला वोटर्स, 5.66 लाख युवा वोटर्स। तो वहीं आपको बता दूं कि जो तमाम मतदाता हैं वो आज अपने घरों से निकलकर बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए पहुंचेंगे। महिमा कटियार हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा जम्मू ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रही हैं। महिमा, 10 साल बाद घाटी में जमहूरियत की वापसी, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, उसकी वानगी सबने देखी थी।